तो मुझे जो है वो डेली बिगनर्स के बहुत से मैसेज और कॉल जो है रिसीव होती हैं कि हमें फुल लो बजट में कोई जो है वो ऐसा कैमरा बताया जाए जिसमें जो है वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो है वो दोनों कर सकें तो जो आज जो कैमरा मैं लेकर आया हूँ इसकी प्राइस जो है वन फिफ्टी डॉलर है जो कि इंडियन करेंसी के अंदर जो है ट्वेल्व और जो है पाकिस्तानी करेंसी के अंदर जो है फोर्टी के राउंड बोर्ड जो बनती है जो कि एक स्टूडेंट भी ईजिली अफोर्ड कर सकता है तो आज हम इस कैमरे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों का जो टेस्ट करेंगे इसी वीडियो में साथ साथ आपको इसकी और बेनिफिट दोनों जो है बताऊंगा तो आज की वीडियो के हमारे पांच में में पहले में आपको इसकी बेस्ट कैमरा सेटिंग बताऊंगा, दूसरे नंबर इसकी फोटोग्राफी का टेस्ट करेंगे आउटडोर में इनडोर में नाइट में वेडिंग में और जो है तीसरे नंबर पर टेस्ट करेंगे चौथे नंबर पर आपको इसकी फीचर बताऊंगा और पांचवें प्राइस बताऊंगा स्टार्ट करते हैं तो चलिए सबसे पहले जो है बेस्ट सेटिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपने जो है इस डायल को घुमाकर इस कैमरे को मैनुअल मोड पे डालना है उसके बाद जो है आपने यहाँ पर आई के बटन को दबाना है आई के बटन को दबाने के बाद इसकी सारी जरूरी सेटिंग जो है यहाँ पर आ जाएंगी आपने जो इमेज क्वालिटी को फाइन पे लार्ज पे रखना है इसके बाद आपने एक्टिव लाइट को एक्स्ट्रा हाई पे रखना है वाइट बैलेंस इसके अंदर जो है ऑटो आपने रखना है और इसके बाद जो है पिक्चर स्टाइल को पोर्ट्रेट पे या पर स्टैंडर्ड पे आप रख सकते हैं फोकस मोड को आपने ए एफ ए पर रखना है और फोकस एरिया को जो है आपने थर्टी नाइन फोकस पॉइंट पे रखना है और जो मीटरिंग को आपने मैट्रिक्स मीटरिंग के ऊपर रखना है चलिए अब जो इसकी वीडियो की सेटिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपने मेन्यू के बटन को दबाना है और यहाँ पर दूसरे नंबर वाले आपने कैमरे के ऑप्शन के ऊपर आकर सबसे एंड वाले मूवी सेटिंग के ऊपर आना है यहाँ पर आप जो इसके फ्रेम सेट कर सकते हैं यहाँ पर देखें आपको सिक्सटी फ्रेम के ऊपर आप वीडियो शूट कर सकते हैं इसके बाद आपने मूवी क्वालिटी को हमेशा से हाई के ऊपर रखना है और आपने जो माइक्रोफोन की सेंसिटिवी को हमेशा से आपने मैनुअल पर रखना है तो इस मैनुअल में आप जो इसकी सेटिंग को जो है ट्वेल्व पे या इलेवन पे जो है वो सेट कर सकते हैं तो इस यहाँ पर वीडियो को शूट करने के लिए आपने जो इसके ऊपर ये लाइव वाला बटन है इसको आपने इस तरीके से प्रेस करना है तो ये कैमरा जो है अपने लाइव मूड के अंदर आ जाएगा फिर आप जो है वीडियो बना सकते हैं तो इस यहाँ पर जो है आउटडोर फोटोग्राफी टेस्ट में हमने जो है एटी फाइव एम एम वन पॉइंट फोर जी लेंस जो है यहाँ पर यूज़ किया है यहाँ पर जो है नेचुरल लाइट है और हमने जो है इस कैमरे के लाइव मूड को टेस्ट करने की ट्राई की है तो यहाँ पर लाइव मूड पे इस कैमरे का फोकस जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है अगर आप जो है आउटडोर में या डायरेक्ट सनलाइट में शूट कर रहे हैं फिर तो आप जो है ईजिली फोकस कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर फोटोग्राफर हैं अगर आपका हैंड शेक नहीं होता तो लेकिन अगर आप इनडोर में हैं और अगर आप जो है नाइट में हैं या लो लाइट में फिर आपका फोकस जो है करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा तो इस यहां पर जो हम इस कैमरे की फेस ट्रैकिंग को टेस्ट करने की ट्राई कर रहे हैं तो इस यहां पर इसकी फेस ट्रैकिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है यहां पर जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है फेस ट्रैकिंग को साथ साथ जो है वो ट्रैक करना चाहिए लेकिन इसकी फेस ट्रैकिंग जो है वो स्टिल फोटोग्राफी के अंदर जो आपको थोड़ा बहुत काम देती है अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा मोशन नहीं कर रहा आपका ऑब्जेक्ट जो है स्टिल खड़ा है देन जो है इसकी फेस ट्रैकिंग थोड़ा काम करती है लेकिन जैसे ही आप मूवमेंट करते हैं तो

फोटोग्राफी करे तो यहाँ पर जो है इंडोर स्टूडियो फोटोग्राफी टेस्ट में हमने जो है 18 टू 55 जो लेंस है इसका किट लेंस है वो वाला हमने जो है यूज़ किया है तो इस यहाँ पर हमने स्टूडियो में अपनी देसी लाइट जो है स्टूडियो की वो वाली जो है यूज़ की है तो इस यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने इस कैमरे की पिक्चर क्वालिटी को टेस्ट करने की ट्राई की है तो इस यहाँ पर इसके अंदर जो आपको पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसका सेंसर साइज जो है वो काफ़ी अच्छा है आपको आठ या दस एम के दरमियान जो है पिक्चर मिल जाती है दो जो कि काफ़ी अच्छी बात है जो कि आपकी जो है एडिटिंग करने में या आपको जो है प्रिंट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है और जूम करने पर ज़्यादा जो है फोटो पड़ती नहीं है तो इस पर दूसरे नंबर पर मैंने जो है इस कैमरे की जो है कंटिन्यू शूटिंग स्पीड को टेस्ट करने की ट्राई की है तो इस यहाँ पर अगर हम लाइव की बात करें लाइव जो इसकी फोटोग्राफी की बात करें लाइव मोड पे तो वहां पर जो इसकी कंटिन्यू शूटिंग स्पीड तो समझे बिल्कुल ज़ीरो है उसके ऊपर आप जो है वो काम नहीं कर सकते लेकिन अगर आप जो इसके व्यू फाइंडर के अंदर देख जो है फोटोग्राफी करते हैं फिर जो है इसकी कंटिन्यू शूटिंग स्पीड से आप जो है काफ़ी अच्छी कैंडिडेट पिक्चर ले सकते हैं वेडिंग फोटोग्राफी की या अगर आप करना चाहते हैं कोई जूम लेंस लगा के बर्ड वाचिंग या कोई मूवमेंट फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप जो है बहुत इजीली कर सकते हैं तो इस यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो मैंने टेस्ट करने की ट्राई की है कि इसकी जो है कलर टून कैसी है तो इस यहाँ पर अगर कलर टून की बात करें तो इसके अंदर जो है आपको कस्टम वाइट बैलेंस यानी कि नहीं मिलता आपको कैल्वन वाइट बैलेंस नहीं मिलता जिसकी वजह से आप जो अपनी वाइट बैलेंस से कलर टून को सेट कर सकें सो तो आपको ऑटो वाइट बैलेंस के ऊपर काम करना पड़ता है इसकी वजह से कैमरा जो अपनी मर्जी की कलर टून जो है वो आपको देता है और जो इसकी कलर टून है वो नॉर्मल है एट ओवर टेन जो है उसको मार्क्स दूंगा जो इसकी ऑटो कलर टून आती है वो जो एट ओवर टेन जो है उसको मैं मार्क्स दूंगा तो यहाँ पर जो है नाइट फोटोग्राफी टेस्ट में हमने जो एटी फाइव एम जी लेंस जो है यहाँ पर यूज की है तो इस यहाँ पर जो हमने फ्लैश लाइट यूज नहीं की यहाँ पर जो हमने कंटिन्यूअस लाइट जो है वो यूज की है दोनों साइडों से तो इस यहाँ पर पहली पिक्चर में हमने जो इस कैमरे के ब्लर एंड बुके को टेस्ट करने की ट्राई की है तो इस यहाँ पर एटी फाइव एम लेंस होने की वजह से हमें ब्लर एंड बुके काफी अच्छा देखने को मिला है अगर आप फिफ्टी एम एम या एटी फाइव एम यूज करते हैं तो ब्लर एंड बुके आपको इसी तरह का देखने को मिले

काम कर सकता है और ग्रेन्स को काफी अच्छे से ये कैमरा जो है कवर कर सकता है तो ये इस कैमरे की एक्चुअल वीडियो क्वालिटी टेस्ट करने के लिए हमने जो इस कैमरे से सिनेमैटिक फैशन फिल्म जो है वो शूट की है जो कि हमने आउटडोर में इनडोर में और नाइट में तीनों जगह पे शूट की है यहाँ पर नीचे जो है आपको इसके बीटीएस में दिखा रहा हूँ ऊपर जो है आपको रॉ क्लिप जो है वो दिखा रहा हूँ जो कि एक्चुअल इस कैमरे से हमने जो है वो शूट किए हैं तो यहाँ पर जो है ये वन मिनट के जो है इसके रॉ क्लिप हैं उसके बाद जो है थर्टी सेकेंड की सिनेमैटिक फैशन फिल्म मैंने आपको बनाकर दिखाई है जिससे आपको पता चलेगा कि आप जो है इसकी वीडियो के अंदर किस तक जो वो एडिटिंग कर सकते हैं इसके बाद जो, ये जो सारी फैशन फिल्म है ये जो, पे जो वो शूट की है, कि आपको पता चले कि इसकी वीडियो की क्या क्वालिटी है जो कि मैंने इसको है, उसका क्या जो मैंने रिजल्ट निकाला है तो यहाँ पर इसकी फेस जो वो इतनी अच्छी नहीं है वीडियो के अंदर भी आप जो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते दूसरे नंबर पर आप जो अपने हैंड से शूट नहीं कर सकते आपको जो है गिम्बल यूज करनी पड़ेगी आपको ट्राईपोर्ट जो है वो यूज करना पड़ेगा वीडियो बहुत ज्यादा शेक होती है तो यहां पर तीसरे नंबर पर जो कलर टून ये आटो कलर ये देता है जो कि ठीक है लेकिन आपको एडिटिंग में जो है वो अच्छी करनी पड़ती है इसके बाद आगे आ जाते हैं स्लोमो तो क्या स्लोमो जो है वो आप ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर 60 फ्रेम है लेकिन वो जो फ्रेम है वो भी क्रॉप करके आते हैं जब आप 60 फ्रेम के ऊपर शूट करते हैं तो ये वीडियो को क्रॉप कर देता है जिसकी वजह से आप एक नॉर्मल सा स्लो मोशन कर सकते हैं ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते चलिए चौथे नंबर पर जो है इस कैमरे के की फीचर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ट्वेंटी यह फोर मेगा का क्रोप सेंसर है जिसके अंदर जो है स्पीड तो आप जो इसका ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तक बढ़ा सकते हैं इसके बाद अगर इसकी एल सी डी की बात की जाए तो यहाँ पर थ्री यह इंच की वेरियंगल एल सी डी आपको यहाँ पर मिलती है यहां पर जो इस कैमरे के अंदर जो है थर्टी नाइन आटो फोकस पॉइंट है अगर इसकी कंटिन्यू शूटिंग स्पीड की बात की जाए तो फाइव एफ पी एस इसकी शूटिंग स्पीड है विद यहाँ पर अगर बात की जाए इसकी जो है मैक्सिमम शटर स्पीड की आप जो ऐसे ओवर तक जो है इसकी मैक्सिमम शटर स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं विद पर इस कैमरे के अंदर आपको जो एक्सटर्नल माइक्रोफोन मिल जाता है इसके बाद आपको वाईफाई और जीपीएस भी इस कैमरे के अंदर मिल जाता है अगर इसकी वीडियो की स्पेक्स की बात की जाए तो आप जो फुल एच के ऊपर जो है सिक्सटी फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर वीडियो जो शूट कर सकते हैं विद अगर इसकी बैटरी लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर जो है आप एक बार फुल करने पे फाइव जो है वो क्लिक कर सकते हैं तो चलिए पाँच नंबर में जो इस कैमरे की प्राइस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर न्यू में बात की जाए तो ये वाला कैमरा जो है डिसकंटिन्यू हो चुका है और आपको मार्केट से नहीं मिलेगा न्यू में अगर आप न्यूज में बाय करना चाहते हैं तो आपको अच्छी कंडीशन के अंदर ये वन डॉलर के राउंड बोर्ड जो है कहीं से भी मिल जाएगा तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी लादमी कमेंट में बताइएगा और इस कैमरे से जो मैंने पिक्चर्स बनाई है उन सबका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वहां से जाकर उनको डाउनलोड कर लें बना के एडिट करके अपने किसी भी पोर्टफोलियो में एड करें जूम करके चेक करें तो आज की वीडियो यहीं एडिट तक के लिए बाय